रानी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए लेके आए हैं वो। दुरेश गुड मॉर्निंग, आप पहले तो एक बार आपका इंडेक्स पे व्यू पॉइंट और दूसरा आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स। तो इंडेक्स पे वही है व्यू पॉइंट, जब तक 16,300-16,400 और 34,700 34,800 के ऊपर है पॉजिटिव बायस है, और ऊपर में 16,800 और 36,000 ये रेंज है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए। सो बाई व्यू रहेगा इंडेक्स पे। स्टॉक स्पेसिफिक जो है ऑटो सेक्टर अच्छा लगता है, तो वहीं से दो पिक है पहले मेरे। सो सबसे पहले रहेगा बाय हीरो मोटो कॉर्प, जिसमें स्टॉप लॉस होगा 2450, टारगेट होगा 2800। स्टॉक ने एक करेक्शन दिया रिसेंटली 2800 से, फिर से वहीं पे आ गया जहां से शुरू हुआ था। सो बाय ऑन डिप्स है और इवेंचुअली एक्सपेक्टेशन है कि 2800 भी क्रॉस होगा। दूसरा बाय रहेगा अशोक लेलैंड पे, जो लास्ट कम से कम दो वीक से एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है 135 से 143 के बीच में। एक दो अटेम्प्ट हो चुके हैं वो ब्रेकआउट करने के, और ये ब्रेकआउट के ऊपर इसका टारगेट होगा 170। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठता है यहाँ पे, स्टॉप लॉस 135। और लास्ट रिकमेंडेशन रहेगा जो ब्रॉडर मार्केट में से, वो है बाय ऑन रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। स्टॉक ने एक रेंज बाउंड मूव किया है लास्ट चार महीने से, 110 से 105 लोअर एंड पे और 140 ऊपर के एंड पे, चार अटेम्प्ट हो चुके हैं 140 पे। कल इसने फाइनली वो 140 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। सो यहाँ पे टारगेट रहेगा 180, स्टॉप लॉस 130। प्राइसेस आ गया 180 रुपए के टारगेट के लिए, 130 अजय आपको ध्यान होगा, दो-तीन दिन पहले मैनेजमेंट भी थी। मैं आपको रेलिगेयर में कुछ खुशखबरी बता देता हूं। हाँ। और ये ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। हाँ। कि ये कंपनी एक सेकंड फंड रेज करने की तैयारी है, जिस दिन हाँ जो आप बता रहे हैं मैनेजमेंट हमारे चैनल पर आया था उस दिन स्टॉक 10% ऊपर था, कल भी 5% ऊपर था, और ये एक फ्रेश फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं। ओके। और बाजार में खबर ये है कि जो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें आपको डाबर के बर्मन फैमिली हैं और मधु केला हैं और बाजार के बहुत बड़े सैमको सिक्योरिटीज के मालिक हैं, बहुत सारे दिग्गज हैं बाजार के क्लच ऑफ फंड जिन्होंने पहली बार लिया था प्रेफरेंशियल में, वो उनसे भी बात कर रही है शायद कंपनी की राइट्स इशू कर ले जो भी है और प्रेफरेंशियल करे किसी बड़े इन्वेस्टर्स को, लेकिन कुछ बातचीत चालू है यहाँ फंड रेजिंग की, हमारे यहाँ हिंट करके गए थे मैनेजमेंट, और अब नुरेश को भी लग रहा है कि इसके अंदर प्री पोजिशनिंग भी चालू हो गई है। बिल्कुल, और शानदार कॉल है ये, और इसका लास्ट का अगर आप ट्रेडिंग सेशन भी देख पा रहे हैं तो बिल्कुल लास्ट में जो खरीदारी हुई है वो इंडिकेट ही कर रही है कि कोई इंटरेस्टिंग या फिर इन्फॉर्मड इन्वेस्टर्स इसके अंदर धीरे धीरे पोजीशंस बना भी रहे हैं। अब जो सिंगल बड़ी बार देख पा रहे हैं ना, ये दिन भर के सारी बार्स को मल्टीपल्स में है, कई गुना में ज़्यादा है। अशोक लेलैंड भी दूसरी कॉल है नुरेश की, जहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, और ये भी बाय कॉल की लिस्ट में ही है, रेलिगेयर और साथ ही अशोक लेलैंड, इन दोनों पे आज आपका एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप आपको मिल सकता है। नरेश बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डिम्बी, एक स्टॉक के बारे में बात करना